नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का। बॉलीवुड धमाल, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। खबर विश्व संगीत दिवस के अवसर पर छाप तिलक गाने के रिक्रिएशन से जुड़ी है। छाप तिलक गाने का रिक्रिएशन हो चुका है और अब इसको लेकर फैंस की भी तमाम प्रतिक्रियाएं जारी है। छाप तिलक गाने को सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, इस गाने को अब भी सुन लिया जाए तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसका संगीत, बोल और गायिका आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज में एक अद्भुत वातावरण में ले जाता है। 14वीं सदी के आमिर खुसरो की रचना पर आधारित इस गाने को अब पैनोरोमा म्यूजिक की ओर से सरोद वादक अमान और अयान अली बंकज के साथ रिक्रिएट किया जा रहा है। साथ ही गायिका अमृता काक ने इसे अपनी आवाज से सजाया है। विश्व संगीत दिवस के मौके पर पैनोरोमा म्यूजिक की ओर से सुपरहिट सॉन्ग को दोबारा से बनाया गया, जहां अमान और अयान ने अपने पिता उस्ताद अमजद अली साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इस गाने को अपनी आवाज देने वाली गायिका अमृता काक ने सलमान की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया है के सुपरहिट गाने जस्ट चिल गाया है। इसके बाद कई गाने भी उन्होंने गाए हैं। अमृता के नए गाने पर भाईजान ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम से छाप तिलक की एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की। तुम्हारे नए गाने के लिए शुभकामनाएं छोटी, ये बहुत अच्छा है। छाप तिलक के रॉयल अंदाज के लिए इस बार की लोकेशन जयपुर डिसाइड की गई है। तीनों कलाकारों को आमिर किले में इस गाने की प्रस्तुति करते देखा जा सकेगा। इस बारे में बात करते हुए सरोज वादक अमान कहते हैं कि इस अविस्मरणीय रचना में निहित माधुर्य और रहस्यवाद को वापस लाना एक सम्मान की बात है, जो ईश्वर की शक्ति को रेखांकित करता है और सदियों से हमें प्रेरित करता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि आज की पीढ़ी के लिए बेहतरीन संगीत लाने के प्रयास हम निरंतर कर रहे और हम छाप तिलक पर पैनोरोमा संगीत के साथ सहयोग करके बहुत खुश हैं। नच पंजाबन गाने पर बिग बी का हुक स्टेप देखने को मिला, जिसकी फोटो बिग बी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। अब उन्होंने फोटो शेयर की यहाँ और यहाँ उनके फैंस का तांता लग गया। फैंस ने लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी और वहीं इसको लेकर मनीष पॉल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन आज भी अपने दमदार व्यक्तित्व और शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी अभिनेता अपनी फिटनेस और चार्म से युवाओं को टक्कर देते हैं। फिल्मों के साथ साथ बिग बी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर अपने फैंस के लिए अपनी तस्वीरें और विचार साझा करते रहते हैं। इसी कड़ी में अब अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपना एक लेटेस्ट फोटो पोस्ट किया है। लगभग हर ट्रेंड को फॉलो करने वाले बिग बी अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हैं। सामने आई इस तस्वीर में फिल्म जुग जुग जियो के नच पंजाबन सॉन्ग का हुक स्टेप कॉपी करते बिग बी दिखाई दिए। बिग बी का ये अनोखा अंदाज उनके फैंस को काफ़ी भा रहा है। लगभग हर ट्रेंड को फॉलो करने वाले आप हमारी स्क्रीन पर वो फोटो देख सकते हैं, जिस पर मनीष पॉल का भी आपको कमेंट दिखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए कैप्शन को लेकर तो अमिताभ जी लिखते हैं कि नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन। बिग बी इस फोटो पर कमेंट करते हुए एक्टर मनीष पॉल ने लिखा लव यू सर। तो वहीं कई फैंस ने उनके स्टाइल की जमकर तारीफ की, उनके लुक पर फिदा होते हुए नजर आए। आप हमारी स्क्रीन पर वो पोस्ट देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मनीष पॉल की कमेंट भी देख सकते हैं, साथ ही साथ उनके फैंस को भी किस तरीके से बिग बी का जो ये नया अंदाज है, कूल अंदाज है, वो भा रहा है। लगातार ट्रेंडिंग ट्रेंड को बिग बी फॉलो करते हैं और अपनी इस तरह की फोटो शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। और अब जुग जुग जियो फिल्म का गाना नच पंजाबन को लेकर उन्होंने एक हुक स्टेप किया है, जिसमें वो नज़र आ रहे हैं पर्पल कलर की जैकेट में, वो नज़र आ रहे हैं किस तरीके से वो, और उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें कमेंट्स किया जा रहा है। उनके फैंस उनके इस लुक को, उनके इस अतरंगी अंदाज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सम्राट
जो कि इन दिनों फिल्म पिट चुकी है, सम्राट पृथ्वीराज को काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव व्यूज़ मिले सोशल मीडिया पर भी। ये फिल्म ज़्यादा टिक नहीं पाई और कमाई के मामले में भी ये फिल्म सुस्त पड़ गई, जिसके बाद मेकर्स ने इसके लिए अक्षय कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। मेकर्स ने साफ तौर पर इसकी पुष्टि की है, उन्होंने अक्षय कुमार को इस फिल्म के लिए दोषी ठहराया है। बॉक्स ऑफिस पर पिटी खिलाड़ी की सम्राट फिल्म को लेकर मेकर्स ने अक्षय को जिम्मेदार ठहराया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म सम्राट पृथ्वीराज मच अवेटेड फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज के खराब बिजनेस से प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने इस फिल्म के ना चलने की वजह अक्षय कुमार को बताया। अक्षय कुमार की एक्टिंग जो कि इस फिल्म में काफ़ी सुस्त पड़ती हुई नजर आई। वहीं बात की जाए अगर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की, तो उनके करियर की एक नई शुरुआत थी, पहली मूवी थी, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई, जिसके बाद अब उनमें भी वो भी काफ़ी मायूस हैं। किस तरीके से एक शुरुआत करना चाह रही थी वो इंडस्ट्री में, और अब पहली फिल्म शुरुआत करने से पहले ही पिट गई। वहीं अक्षय कुमार को लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार नेगेटिव व्यूज और कमेंट्स आ रहे हैं। लोग उनकी एक्टिंग को लेकर भी मजाक बना रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है इस फिल्म की वजह से। ये फिल्म हिंदी के अलावा भी कई भाषाओं में रिलीज हुई थी, लेकिन अन्य भाषाओं में भी ये फिल्म अपनी कमाई नहीं कर पाई और वहां भी ये फिल्म सुस्त पड़ती हुई नजर आई। फिल्म ने मार्केट में जिस तरीके से मेकर्स ने इस फिल्म में पानी की तरह पैसा बहाया था, उसका आधा भी ये फिल्म नहीं कमा पाई। 100 करोड़ का आंकड़ा भी ये फिल्म नहीं छू पाई, जिसके बाद फिल्म की जिस तरीके से फ्लॉप जो फिल्म हो गई है उसको लेकर मेकर्स काफ़ी नाराज़ हैं। इसको लेकर मीडिया में भी चंद्रप्रकाश द्विवेदी से जब बात हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर, तो उन्होंने बयान दिया था कि इस फिल्म को लेकर उन्होंने कई उम्मीदें लगाई थी, मगर वो फिल्म इस उम्मीद से खरी नहीं उतर पाई है, ऑडियंस को कनेक्ट वो नहीं कर पाए हैं। इस बात को चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने माना है। फिल्म की कहानी और तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, बावजूद इसके फिर भी फिल्म चल नहीं पाई। इसको लेकर मेकर से लेकर सभी नाराज हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम और सेट की अगर बात की जाए तो काफ़ी पैसा और साथ ही साथ मेकअप को, अगर मेकअप ज्वेलरीज अगर देखी जाए तो जिस तरीके से पूरा सेटअप था उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा बहा दिया गया था। फिल्म को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी कि ये फिल्म जब मार्केट में उतरेगी तो खूब कमाई करेगी, लेकिन जिस तरीके से फिल्म सुस्त पड़ गई और पिट गई और फ्लॉप हो गई, उस वजह से मेकर्स की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई है और मेकर्स इसको लेकर काफ़ी मायूस हैं। वहीं प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने साफ तौर पर कह दिया है, उन्होंने अक्षय कुमार को इस फिल्म के लिए कि फ्लॉप होने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ तौर पर अक्षय कुमार पर निशाना साधा है, किस तरीके से जो फिल्म थी जिससे उम्मीदें लगाई जा रही थी। वहीं अगर बात की जाए कई ऐसे फिल्मों की जो सम्राट के पहले और बाद रिलीज़ हुई थी, कम बजट की फिल्में थी लेकिन अच्छा कारोबार कर रही हैं और अभी भी कर ही रही हैं, जैसे कि एक फिल्म है भूल भुलैया 2 जो लगातार कमाई का स्तर छू रही है, कमाई कर रही है और अभी भी लगातार कर रही है। तो कोई भी फिल्म अगर कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनाता है तो उसकी कई उम्मीदें होती है, लेकिन जब फिल्म पिट जाती है तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। वहीं ये फिल्म जितने बजट की बनी थी, जिस हिसाब से बनाई गई थी, उसका आधा भी फिल्म कमा नहीं पाई। ऐसे में मेकर्स में मायूसी तो है ही है, साथ ही साथ कई सवाल भी हैं। बारिश का मौसम है, ऐसे में आमिर खान अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। दोनों का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो को आमिर के फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो की झलकियाँ। बेटे के साथ फुटबॉल खेलते आमिर खान ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनके इस अंदाज पर लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स और चर्चाओं की बौछार हो गई। लोग लगातार इस पर अपने कमेंट कर रहे हैं। उनका ये प्यारा सा वीडियो इंटरनेट पर कुछ ही समय में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। पिता और बेटे की ज़बरदस्त बॉन्डिंग देख लोग सोशल मीडिया पर तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। साथ ही साथ दोनों मानसून का मज़ा ले रहे हैं, बारिश में नहाते हुए
दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर आमिर का वो वीडियो देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। किस तरीके से दोनों हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, आमिर अपने बेटे के साथ कितने खुश लग रहे हैं, किस और साथ ही साथ मौसम को इंजॉय करते हुए आमिर जो है फुटबॉल का भी मज़ा ले रहे हैं अपने बेटे के साथ। दोनों की बॉन्डिंग पर जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैंस कमेंट कर रहे हैं, दोनों की बॉन्डिंग को, दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को पसंद किया जा रहा है, दोनों के क्यूट रिलेशन को सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनके फैंस लगातार इस वीडियो को देखकर कमेंट और प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। अब हमारी स्क्रीन पर वो प्यारा सा छोटा सा क्लिप देख सकते हैं जो आमिर खान ने भी शेयर किया है अपने इंस्टा पर, और आप देख सकते हैं कि कितने दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं साथ में, कितना अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है पिता और बेटे का, एक खूबसूरत सा प्यारा सा रिश्ता, दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और खेल अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।